أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات. اسلام علیکم ناظرین, میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار. سحر عظیم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. یہ بہت مبارک گھڑیاں ہیں, ان میں دعا کرنا نہ بھولیں گا. اور ہماری بھی آج کی سحری میں یہی دعا ہے کہ ہماری ہر سحری کا آغاز اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو, اور ہماری ہر افطار بھی سحر عظیم کی طرح اللہ تعالیٰ کے نام اور عظمت سے بھرپور رہے. آمین آمین ثم آمین. ناظرین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا, بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. بلا شبہ قرآن راہ ہدایت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا اسے اس کے لیے آسان بنا دیا جائے گا. تو ہم سب بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس کے اصولوں پہ چلتے رہیں. ابھی وقت ہوا جاتا ہے ہمارے آج کی تلاوت قرآن پاک کا. چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف اور واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله ماشاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجتانی وہ قول الزور, اور جھوٹی بات سے بچو. اور ایک اور جگہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. ناظرین, جھوٹ وہ برائی ہے جو بہت ساری دیگر برائیوں کو اپنے ساتھ جنم دیتی ہے.
बाज़ औक़ात हमें एक झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसे में इंसान मुआशरे में तो अपनी साख खो ही देता है, अल्लाह के यहाँ भी मलून करार पाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गरामी है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी हिफाजत पर मामूर फरिश्ते उसकी झूठ की बू की वजह से उसे 1 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। अल्लाह। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे झूठ एक मुआशरती बुराई पर। बिल्कुल इमरान, देखने में आता है कि हम लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं कि जिन पे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं होती। अगर हम उनमें सच भी बोल लें तो वो इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन शायद हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है छोटी छोटी चीजों पे झूठ बोलने की। जैसे आमतौर पर लोग पूछते हैं कहाँ रह गए आप, कहाँ कब तक पहुंचेंगे, तो हम ऐसे ही कह देते हैं कि हम अभी घर से निकलने लगे हैं या निकल रहे हैं, हालांकि अभी हमारा इरादा भी नहीं होता निकलने का। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सोचते भी नहीं है कि झूठ के जुमरे में आ रही हैं, लेकिन उनके जाहिर है आगे जाके हम पे नुकसानात हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, झूठ हम क्यों बोलते हैं, झूठ कितनी बड़ी बुराई है, इससे बचने की कितनी जरूरत है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे दो गेस्ट। पहले गेस्ट का आप लोगों से तारुफ कराती चलूँ, जो कि है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम फारूकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। थैंक यू सो मच सर। और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं इलामा नूर हुसैन साहब। इलामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी हलीमा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा हमेशा की तरह पहला सवाल, झूठ को जब हम कहते हैं कि ये तमाम बुराइयों की जड़ है, तो इसके पीछे क्या फलसफा छुपा हुआ है, ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहब। वेलकम सर। झूठ, ये वैसे उर्दू का लफ्ज है, कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, अ लाइव हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन। अरबी में इसके लिए किसब का लफ्ज है, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार। अल्लाह ताला झूठे बंदे को जो है उसको कभी भी हिदायत नहीं देता। बिल्कुल। और सरकार का भी फरमान है कि असिद को युनजी वल किज़्बु युहलिक। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत। सच्चाई निजात देती है, झूठ हलाक कर देता है, किज़ब जो है। तो बात कर ये समझा जाता है कि झूठ से मुराद बस एक ही पहलू है कि इस बंदे ने जो है वो ऐसी बात कही है जो कुरान हदीस या किसी जगह मौजूद नहीं। हालांकि झूठ की जब हम तय में जाएं तो बहुत सारी सूरतें झूठ में आती हैं, मसलन खिलाफ़े वाक़या बात कहनी, सही बगैर तहकीक के कह दिया, बात कह दे, सुनी सुनाई बात आगे बयान कर देना, अल्लाह, या फिर जानबूझ के अनजाना सा बन जाना, दो रुखी पॉलिसी इख्तियार करना, अल्लाह। और इसमें बड़ी जो फिकी एतबार से फुकहा ने लिखा है कि ये भी झूठ है कि इंसान मुबालगा मेजी से काम ले, अल्लाह। ये भी झूठ है कि उसके कौल और फेल में तज़ाद हो, ये भी झूठ है कि उसके जाहिर और बातन में तजाद हो, अल्लाह। ये भी झूठ है कि उसकी जलवत और खलवत में तजाद हो। तो इस एतबार से अगर हम ये सारी इनकी जितनी कैटेगरीज हैं झूठ की, उनको अगर तफसील से हम पढ़ें और फिर उनकी कबाहतों के ऊपर गौर करते चले जाएं, तो हमें मालूम होगा कि सारी बुराइयों और खबास्तों और गलाजतों की जो जड़ है वो झूठ, ये बुराई है, ये झूठ है। अल्लाह। क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए लोग फिर 100 झूठ बोलते हैं, वो समझते हैं बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स, बाद अच्छा बदनाम बुरा। अब ये एक मैं बात कह बैठा हूँ है तो ये फजूल है, गलत है, लेकिन अब उसको कवर करने के लिए इंसान बाज कर उस ऐसी दलदल में फंस जाता है कि वो अल्लाह की नज़र में भी मलून हो जाता है, मरदूद हो जाता है, वो मखलूक की नज़र में भी जो है गैर मोतबेर और इंतहाई नकम्मा और फजूल इंसान साबित होता है, घर वालों की नज़र से भी गिर जाता है, ताकि वो अपनी नज़र से भी गिर जाता है। तो इस एतबार से देखा जाए तो झूठ जो है वो हमें हर बुराई की तरफ लेके जाता है, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि झूठ हलाकत की बुनियाद है, सच्चाई हर खैर और हर कामयाबी की कुंजी है, चाबी है, और ये उसका जरिया है। सरकार फरमाते जब कोई झूठ बोलता है तो बोलता चला जाता है, अल्लाह उसका नाम झूठों में लिख देता है और वो जन्नत में चला जाता है। कोई सच बोलता है तो अल्लाह करीम उसका नाम सचों में लिख देते हैं और सच्चाई उसको जन्नत तक जो है वो ले जाती है। तो इस एतबार से मुआशरे के अंदर जो है, अगर आप तमाम जराइम की तय में जाएं, बहुत सारी मुआशरती बुराइयों की तय में जाएं, बल्कि बहुत सारी रूहानी बीमारियों की तय में जाएं, तो हमें हर जगह जो है
यही झूठ नजर आएगा। हत्ता कि शरीयत ने इसे भी मना किया, शुआरा की कुरान पाक ऐसे सूरत शुआरा है, तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरा नबी शायर नहीं है। हालांकि शुआरा जो है वो कोई बाजाबता कोई दोनों टखने जोड़ के झूठ नहीं बोलते, वो सिर्फ मुबालगा मेज़ी करते हैं, एक हवाई ऐसी बात छोड़ते हैं वक्ती तौर पे जरा दिल को अच्छी लगती है, दिल लगी करने के लिए। तो शरीयत ने उसको भी नापसंद किया कि ऐवें बच्चों को झूठे बहाने करना, बीवी से करना, किसी से भी करना, जबकि पता ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन ऐवें वक्त गुजारा करने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए जो है शरीयत ने झूठ की हर किस्म को नापसंद किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब की इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी इलामा साहब आपकी तरफ। कुरान और हदीस में हमें झूठ के बारे में क्या क्या वईद सुनने को मिलती है, क्या क्या हमें बताया गया है कि झूठ बोलने से कितने नुकसान आते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इसके सिर्फ जाहिर ही नहीं इंसान के जिस्म पर भी बहुत सारे नुकसान आते हैं। मोहतरमा हलीमा साहिबा, बहुत अहम सवाल है। कुरान और हदीस की तालीमात से नाआशना होकर ही इतनी बड़ी जिसारत की जाती है, झूठ जो तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम गुनाहों का सबब है। उन तालीमात को जब हम कुरान मजीद और अहदीस की रोशनी में समझेंगे तो ऐसी बुराई से हमें कराहत महसूस होगी और हम अपना दामन बचाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वज तनेबू कौल अज़्ज़ूर, झूठी बात से इज्तिनाब करो। तो ये वाज़े हुक्म है अल्लाह ताला का कि झूठ से बचा जाए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, समाउना लिल कज़ब, वो झूठ के बहुत सुनने वाले हैं, यानी जो बुराइयों में मुबतला लोग हैं उनकी ये आदत है। इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार, अल्लाह ताला नाशुक्र बड़े झूठे को पसंद नहीं करता। इसी तरह इरशाद फरमाया कि जब झूठी बात की जाती है ना, लौला इस्समितुमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनात बिअन्फुसिहिम खैरा वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन, फरमाया काश के जब उन्होंने ये बात सुनी थी तो उन्होंने सुनकर ये क्यों नहीं कहा कि इस मामले में खैर है और ये वाज़े झूठ है, इफ़्कुम मुबीन। तो झूठ को ये जो इल्ज़ाम किसी पे लगाया जाता है, बोहतान लगाया जाता है, ये भी झूठ की एक किस्म है और इसे इश्क कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीन युज़ून अल्मुमिनीन वल्मुमिनात बिग़ैर मक्तसबू, जो मोमिनों को, मोमिन मर्दों औरतों को तकलीफ पहुँचाते हैं इस पर कि उन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं, फ़क़द इहतमलू बोहताना, तहकीक उन्होंने बोहतान उठाया, वइस्म मुबीना, और उन्होंने वाज़े गुनाह किए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ के बारे में बड़ी वाज़े अहादीस है आपकी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा से पूछा, फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें आगाह न करूं कबीरा में से बड़े कबीरा गुनाह के बारे में, अकबर अल कबायर। तो सहाबा ने अर्ज की, जी या रसूल अल्लाह, जरूर इरशाद फरमाइए। फरमाया अल इशराक बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन व कौलु ज़ूर, फरमाया अल्लाह का शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी बात कहना। हदीस पाक में आप अलैहिस्सलाम टेक लगाए हुए थे और जब आपने फरमाया कि झूठी बात कहना, तो फिर आप टेक लगाने वाली कैफियत को बदल कर नॉर्मल कैफियत में बैठ गए और बार बार युकर रोहा ये लफ्ज कहते रहे, यानी आप अलैहिस्सलाम ने झूठ की कितनी नहुसत है, झूठ कितना बड़ा गुनाह है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपना अंदाज बदल दिया। अल्लाह बिल्कुल। सो इससे मालूम ये हुआ कि झूठ बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत से गुनाहों का पेश खैमा है। ये इंसान को गुनाहों की दुलदुल में फंसा देता है और इंसान फिर लोगों की नजरों से भी गिर जाता है और इंदल्ला भी वो शख्स जो है वो अल्लाह ताला का नापसंदीदा इंसान करार पाता है। लिहाजा हमें चाहिए कुरान और सुन्नत की तालीमात को अपनाते हुए
झूठ से अपना दामन बचाए। जी बिल्कुल, झूठ एक बहुत बड़ी बीमारी है और जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा और अलामा साहब ने भी कहा कि इसके आपके अपने जिस्म पे बहुत सारे असरात हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां खुदा ना खास्ता आपको लाहक हो सकती हैं सिर्फ एक झूठ बोलने की वजह से। ये सिर्फ एक गुनाह नहीं है बल्कि आपके लिए एक अजियत का बाइस भी बन सकता है। अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे, बातों के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। किसी शय की नहीं है अब तमन्ना, दरे खैरुल वरा है और मैं हूँ। नज़ीर ऐसा है उनके दर का आलम, बहारे जहाँ फ़ज़ा है और मैं हूँ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला अभी जारी है मगर वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए सुनते हैं आज का नातिया कलाम। कोई महबूब न होगा, न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, हर एक को मयसर कहा उस दर की गुलामी, हर एक को दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। दिल गिरिया कुनाए नजर सूए मदी, दिल गिरिया कुनाए नजर सूए मदीना, आजम तेरा अंदाजे तलब कितना हसीन है। कोई महबूब न होगा न कहीं है
जी माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जी हलीमा, आज की सहरी में आप हमारे लिए क्या अच्छी बात लेकर आए? इमरान, आज आपको पता है जैसे कि हमारा मौजू झूठ पर है, तो उसी के हवाले से है कि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को बाज़ों का 100 तरह के और झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप वो एक झूठ भी ना बोलें, कोशिश करें, वरना हमारे मजहब में भी बाज़ों औकात मसलतन झूठ बोलने की तो इजाज़त है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ना बोला जाए झूठ। और इसके साथ ही एक छोटा सा किस्सा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स पेश हुआ, उसने कहा मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, तो आप मुझे कोई एक बुराई छोड़ने का बता दें तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो ना करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से परहेज का कहा, तो वो शख्स जो भी बुराई करने का सोचता था उसके दिमाग में ख्याल आता था कि जब मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि तुमने ये बुराई की या नहीं की, तो मैं उनसे सच कैसे बोलूंगा। तो इस तरह करते करते उसकी तमाम जो बुराइयां थी वो छूट गई। तो इसलिए झूठ को सारी बुराइयों की माँ कहा गया है, तो इससे अगर हम इज्तनाब कर लें तो मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। बिल्कुल हलीमा, आपने सच कहा, हम बाज़ औक़ात अपनी आर्जी मजबूरियों और ज़रूरतों के तहत झूठ बोल लेते हैं, जो बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि झूठ किसी भी हाल में मुनासिब नहीं, यहाँ तक कि कोई अपने बेटे से किसी चीज़ के देने का वादा करे और फिर उसको पूरा ना करे। सो इससे पता चलता है कि झूठ कितनी नामुनासिब काम है और हमें इसे किस हद तक बचना है कि अल्लाह भी उन पर लानत भेजता है। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी प्रोग्राम में दोबारा से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर से। अभी वक्त हुआ जाता है हमारे खूबसूरत से कलाम का, चलते हैं कलाम की तरफ, देखते हैं और वापस आएं दोबारा से गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। रहमतुल्लिल
माशाल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। लोग कहते हैं कि रोज़ा रोज़ेदार को हर बुराई से दूर ले जाता है, लेकिन फिर भी देखने में आता है कि रमज़ान में बाज़ारों में मंडियों में झूठ बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। हर चीज़ के दाम दुगने करके लोगों को बताना, उनसे भाव ताव करना, ये भी तो झूठ की एक किस्म है, तो इससे क्यों नहीं हम दूर रहते? हज़ार खौफ हों लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। हकीकत हाल ये है कि झूठ इस कदर, अल्लाह माफ़ करे, हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में, हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में, हमारे मजलिसों में से घुस चुका है कि उसके अंदर जो है अगर कोई मातर साथी बेचारा कुछ सच बोले तो कहते हैं ये झूठ बोल रहा है। अल्लाह, यानी हम झूठ सुन सुन के आदी हो चुके हैं। हम जो है वो मीठे आलू भी फीके करके बेचते हैं। आप जितना मर्जी रेट ज्यादा से ज्यादा दे फल रखेंगे तो उसमें भी जो है उन्होंने दागी दाने कहाँ कहाँ रखे होते हैं कि अगर 25 किलो वो सही हैं तो उसमें से 15 किलो उन्हें खराब भी साथ ही दे। साथ में लाए होते हैं। तो हलीमा साहबा, ये एक बहुत बड़ा मुआशरती रोग है। इस पे जितनी ज्यादा भी जो है वो गुफ्तगू की जाए और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, देखो सबसे ज्यादा जो कबाहत है वो हमारी मंडियों में है। और हदीस में आता है कि हजूर अलैहिस्सलाम बाकायदगी से नमाज जुहर के बाद आप मंडी में तशरीफ ले जाते थे, वहाँ कारोबारी लोगों का जायजा लेते, उनकी गुफ्तगू सुनते, वहाँ रेट वगैरह का हिसाब करते, किसी किस्म की कोई बदनज़मी, फिर रास्ते में जो ठेले वाले दाएं बाएं रास्ते तंग कर देते हैं उनको भी खबरदार करते कि ये गुजरगाह है, इसके अंदर तुम अपनी दुकानें बढ़ा बढ़ा इतना हर चीज का ख्याल रखते, इस कदर आप इस चीज का ख्याल रखते। बल्कि हल्की सी बारिश हुई, सरकार बाहर गए तो एक बंदा गंदम बेच रहा था, तो आपने जरा हाथ से उसको देखा तो वो खुश्क थी। फरमाया, ऊपर कोई छत भी कोने, तेरी गंदम गीली नहीं हुई बारिश से, ये क्या तुमने लगाया? अर्ज की, हजूर बारिश से गीली हो गई थी तो मैंने वो खुश्क नीचे से करके ऊपर कर दी है और वो नीचे से ऊपर मैंने खुश्क कर दी है, नीचे गीली चली गई है। तो इस पे भी सरकार ने फरमाया, मन गशा फले ईसा मीना, तो ये मिलावट है, ये धोखा दही है। तो इसीलिए शरीयत मुहम्मदी के अंदर जो है अगर आप गहराई में जाएं तो सरकार फरमाते हैं कि अगर इबादत के 10 हिस्से हों तो 9 इसे सिर्फ सच सच सच्चाई के साथ कारोबार करने, झूठ से इज्तनाब करना, और एक हिस्से में हमारी नमाज, रोजे, हज, इबादतें, सारी चीजें एक हिस्से में आती हैं। यानी 10% वो है, 90% सिर्फ ये कारोबारी जो गलियों में, बाजारों में, और जिसको बुराई समझा ही नहीं जाता। बल्कि हमने एक दोस्त से कहा, बड़े बिजनेस मैन है, कि हाजी साहब बताएंगे क्यों आप लोग झूठ बोल कर कारोबार करते हैं और लोगों को फंसाते हैं और उनको लूटते हैं? तो उसने कहा, फारूकी साहब सच्ची बात यह है कि इस कदर हम झूठ सुनने के आदि हो चुके हैं, अगर हम पूरा सच बताएं तो लोग यकीन नहीं करेंगे, यकीन नहीं के सौदे नहीं खरीदे। बल्कि उसने कहा हम तो भूखे मर जाएं सच बोलने की वजह से। मैं देखो, सरकार ने कहा कि सच बोलने से निजात है, झूठ में हलाकत है। तुम कहते हो नहीं झूठ में निजात और सच में हलाकत है, ऐसा नहीं है।
लेकिन क्योंकि ये बुराई को बुराई समझा ही नहीं जाता, हर कोई इसको अपना जो है वो महारत समझता है कि नाप तोल में कमी कर देना ये भी एक झूठ की किस्म है, गलत क्वालिटी जो है उसको अच्छी क्वालिटी के उपज बेच देना, और एक्सपोर्ट क्वालिटी कह के वो चाहे रंगमाल से बनी हुई शय हो या जो है वो ये लाला मूसा से बनी हुई हो, हम कहते हैं ये तो इंग्लैंड से, ये तो फ्रांस से आई है, तो इसके पीछे हिरस और हवस है, सर लालच और तमा है। इसीलिए सरकार ने फरमाया था कि हुब दुनिया रा से कुल्ले खतियतिन, ये दुनिया की मोहब्बत और हिरस और हवस जो है ये हर बुराई की जड़ है। इंसान ज्यादा से ज्यादा माल बटोरने के लिए और माल इकट्ठा करने के लिए साशे ढूंढने के लिए वो झूठ का सहारा लेता है। सरकार फरमाते सुन लो कि तुम्हारा माल बिक जाएगा, माल से पैसे भी हो सकता है तुम्हें मिल जाए, लेकिन वो माल जो झूठ से तुमने धोखा दही से फ्रॉड से जखीरा अंदोजी से और जितने शरीयत ने नाजायज तरीके मिलावट के सारे बयान किए कमाओगे, वो माल तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ वो बहुत सारी कबाहतें लेके आएगा, बीमारियां आएंगी, हादसात आएंगे, बहुत सारी उसके अंदर बेबरकतियां आएंगी। और ये भी फरमाया कि एक इस तरीके से लुकमा हासिल किया हुआ जब पेट में जाएगा 40 दिन इबादत ही कबूल, दुआएं कबूल नहीं। अगर उसी हराम के माल से कोई तजारत करता है, हराम के माल से जो है वो कोई हज करता है उमरा करता है तो उसका भी कोई स्टेटस नहीं रहता। इसके मुकाबले में फरमाया कि अत्ताजिरु सदूकुल अमीनु मन नबीजीना व सिद्दीकीना व शुहादा, जो अमानत और दयानत के तकाजों को पूरा करते हुए तजारत करता है कारोबार करता है चाहे वो प्याज ही क्यों ना बेच रहा हो, फरमाया वो मामूली शख्स नहीं है, वो नबियों सिद्दीकों शहीदों के साथ होगा और अल कासिब हबीबुल्लाह। फरमाया सही तरीके से झूठ बोले बगैर जो अपनी तजारत करता है वो तो अल्लाह का हबीब और दोस्त है। बिल्कुल अलावा साहब आपके जाने बातें हैं, आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तारीख के जरोकों में से कोई ऐसा वाकया सुनाए जो झूठ की बुराई को सामने लाता हो। ऐसे कई वाकयात हैं जी, दौर नबवी का वाकया जो हदीस पाक में बयान हुआ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में कई तरह के गुनाह पाए जाते हैं, मसलन उसने कहा कि मैं शराब पीता हूँ, मैं बदकारी करता हूँ और मैं झूठ बोलता हूँ, तो आप इन में से किसी एक गुनाह के बारे में मुझे फरमाएं तो मैं उससे रुक जाऊँगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम झूठ से इज्तिनाब करना। वो शख्स आपकी ये नसीहत सुनकर लौट गया, फिर आया कुछ दिन बाद हाजिर हुआ, उसने अर्ज की ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो मुझे फरमाया था कि झूठ से इज्तिनाब करना, तो मैं जो दूसरे मेरे अंदर अयूब थे, गुनाह थे, जब मैं उनका इर्तिकाब करने लगता था तो मेरे दिल में यह ख्याल पैदा होता था कि आपकी खिदमत अकदस में जब हाजिरी होगी और आप अगर मुझसे पूछेंगे कि तुमने ये गुनाह किया है तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, और जब सच कहूंगा तो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा, लिहाजा मैंने उन तमाम गुनाहों से इज्तिनाब बरता है और झूठ छोड़ने की वजह से मुझे तमाम गुनाहों से छुटकारा मिल गया है। इससे पता ये चला कि गुनाह तो मुख्तलिफ है लेकिन झूठ कई गुनाहों का सबब है, कई गुनाहों का जरिया है। यही वजह है कि जो हदीस पाक है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि झूठ इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है, और फरमाया गुनाह फिर इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है, और बंदा अल्लाह की बारगाह में कज़्ज़ाब भी बड़ा झूठा लिख दिया जाता है झूठ की वजह से। तो यकीनन हमारे इस्लाम की जो तालीमात है वो सच है, इस्लाम का पहला सबक ही सच्चाई पर है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून, जो सच को लेकर आया जिसने उसकी तस्दीक की वो परहेजगार है। यही वजह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बी फलैसा लिल्लाहि हाज्जा
फी अय्यदा तआमा व शराबा, जो रोजा तो रख लेता है लेकिन झूठ नहीं छोड़ता, तो अल्लाह ताला को उसका खाना पीना छोड़ देने की कोई कदर नहीं है। तो रोजा खूब ट्रेनिंग देता है, खूब तरबियत देता है झूठ से बचने की। हम दोबारा वक्फे के बाद दोबारा आएंगे। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि झूठों पर मेरी लानत है, और जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं, तो इससे बढ़कर झूठ पे और क्या दलालत हो सकती है कि ये किसी भी हाल में जायज़ नहीं। हाँ, कुछ शरीयत के वो तकाजे जिनके तहत शरीयत ने इसको जायज़ करार दिया है, उनके सिवा झूठ बिल्कुल जायज़ नहीं है। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप लोगों को शो में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो माशरे झूठ पे कायम रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, उस पे चलते रहते हैं, क्या वो इंसानी इकदार की पासदारी कर सकते हैं? देखिए, अगर हम तारीख इंसानी का मुतालिया करें तो कुरान पाक में बेशुमार कौमों के अहवाल अल्लाह ने बयान किए हैं। तो जितनी कौमें तबाह हुई, बर्बाद हुई, कौम नमरूद है, कौम फिरौन है, कौम हमान है, फिर शद्दाद है, आद है, इरम है, समूद है, लूत है, इनके एक ऐसी कौम भी जिनको बाकायदा वो किरादतन खास से इन तुम जलील की वे बंदर बांधे, उनकी शक्लें ही बिगाड़ दी गई, बंदर और खंजीर की शक्लें उनकी बना दी गई। तो उनका बड़ी जो कबाहत थी वो यही थी कि वो हर मामले में झूठ की पैरवी करते थे। मज़हब में झूठ, तजारत में झूठ, खुदा के बारे में झूठ, नबी के बारे में झूठ, और जहाँ जहाँ जो है उन्हें कोई फ़ायदा हासिल होता था वहाँ वो अपने तजारत और कारोबार करते थे, जहाँ थोड़ा सा नुकसान होता तो वहाँ सारे झूठों का सहारा लेते थे। बिल्कुल। तो अगर इसको ज़रा तफसील से जाएं तो मुआशरे झूठ पे कायम नहीं रह सकते। सरकार का एक फरमान है कि कुफर के साथ तो निज़ाम चल सकता है, जुल्म के साथ नहीं चल सकती। ये जुल्म है बहुत बड़ा कि इंसान जो है लोगों की जानों से खेले, लोगों के मालों से खेले, लोगों की इज्जतों से खेले। देखे ना, सबका अकवाम में जो यहूद व नसारा थे, कुरान ने जगह जगह कहा कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहते फिरते जो हैं ही नहीं। एक उन्होंने ये भी दावा किया कि लन तमस्सा न नारो इल्ला या मम्मा दूदा, मैं तो हरगिज आग छुवे भी नहीं, हम तो जन्नत में जाएंगे सीधा सिवाय चंद दिन के, इसलिए कि हम यहूदी हैं, हम नबियों की औलाद हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ऐसी बात नहीं है। फबाओ बेगादा बिन अला गज़ब, तुम तो गज़ब दर गज़ब मेरे शिकार हुए हो। वह दौरे बात अलैहिम ज़िल्लत वल मस्काना, मैंने ज़िल्लत और रुसवाई तुम पे मुसल्लत की। अल्लाह के बारे में वो बातें कहते हो और जिन पे तुम खुद अमल ही नहीं करते। और ये भी कहा आतामरूनन नास बिल बिर व तनसून अनफुसकुम अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, लोगों को तो बड़ी बड़ी नेकी की बातें और कहानियां सुनाते फिरते हो, मर जाने को अपना भी ख्याल करो, खुद अमल करते कोई नहीं हो, किताबें भी पढ़ते हो, इलम भी है तुम्हारे पास, शऊर भी है। डॉक्टर साहब, कथा कलामी की मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब एक बहुत ही अच्छा किस्सा ब्रेक में बता रहे थे, तो प्लीज़ अगर वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है वो ऐलान नबूवत से पहले भी सादक रमीन मशहूर थे, और ऐलान नबूवत के बाद तो फिर आप पूरी रूए ज़मीन के जो है वो मोहसिन इंसानियत बने, वो दाई बरहक बने। तो ये अभी अवाइल यानी ऐलान नबूवत से पहले की बात है कि आप तजारत फरमाते थे, तो किसी बंदे से कोई तजारती लेन देन तय हुआ, तो उसने कहा आप ज़रा ठहरे, मेरा इंतज़ार करें, मैं अभी घर से पैसे वगैरह लेके आता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उसने वहाँ खड़ा किया, घर जाके वो भूल ही गया कि मैं तो कोई सौदा तय कर आया हूँ, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा दिया ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो वो तीन दिन बाद वापस आया, या तीन दिन बाद उसको याद आया, उधर से गुजरा, देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम, तो आपने कोई उसको माँ बहन एक नहीं की, कोई गाली गलोच नहीं की, कोई गिरेबान नहीं पकड़ा, बस इतना फरमाया कि तूने बड़ी मशक्कत में डाला, मेरे साथ तूने ये कहा कि इंतज़ार करो, मैंने कहा मैं इंतज़ार करता हूँ, तीन दिन से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ।
तो ये एक आपके किरदार की बुलंदी भी थी। तो मुआशरती रवायात, हर रवायत सच पे कायम है। सच्ची बात ये है कि जिस मुआशरे से सच निकल जाता है यानी झूठ घुस जाता है तो उनके बाहमी ताल्लुकात वो भी इंतशार का शिकार हो जाते हैं, घरेलू निज़ाम कोलैप्स कर जाता है, उनका मुआशरती ढांचा खोखला होकर रह जाता है, मुआशी तौर पर वो दुनिया में रुसवा हो जाते हैं और सियासी तौर पर भी इखलाकी तौर पर भी गोया कि उनका दिवालिया निकल जाता है। तो इंसान देखो, अंग्रेजी का मुहावरा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सारी दुनिया मानती है कि सच्चाई बेहतरीन हिकमत अमली है, लेकिन अल्लाह जाने क्यों छोटे छोटे मुफादात के लिए और छोटे छोटे अपने नुकसान को बचाने के लिए इंसान जो है वो इस कबाहत में पड़ के फिर ऐसा दलदल में फंस जाता है कि वो निकलना भी चाहता तो निकल ही नहीं पाता। जी नाज़रीन, बिल्कुल कोई ऐसा मुआशरा जो झूठ की पासदारी करता रहे वो कभी भी कायम नहीं रह सकता। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। झूठ बोलने वाला फ़र्द और मुआशरा हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए। हम अपने दूसरे मेहमान की जाने बढ़ते हैं। अलामा साहब, आपसे हमारा प्रोग्राम का आखिरी सवाल है कि आप हमेशा कहते हैं, हर प्रोग्राम में आप यही कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला मोमिन को पूरे साल के लिए तैयार करता है, तो ऐसे में हमारे उलमाए कराम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हमें ऐसे से तैयार करें कि हम पूरा साल इससे दूर रहें, इस बुराई से दूर रहें? उलमाए कराम की ये ज़िम्मेदारी है यकीनन, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ हुक्म है और शरीयत इस्लामिया का वाज़ पैगाम है कि झूठ से इज्तिनाब किया जाए। और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि झूठ फिर कई गुनाह हैं मुख्तलिफ नामों से जो झूठ कहलाते हैं, वो मसलन धोखा देना है, खयानत करना है, तो ये सारी चीज़ें झूठ ही का एक दूसरा नाम है। जी, तो उलमाए किराम को ये चाहिए कि वो अपने जो दुरूस हैं वो अखलाकी तर्ज के दुरूस भी वो तय करें, और जी और माह रमज़ान के अंदर भी उनके दुरूस बड़े जामे अंदाज में होने चाहिए। इसके साथ साथ खुतबात जुमा में भी वो ऐसे अखलाकी बुराइयों को मौजू बहस बनाए, इसलिए कि लोगों की जरूरत है ये मौजूद मामलाते जिंदगी पे बात करना जरूरत है। जी बिलाशुबा, चूंकि अब तो इस हद तक इन तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया गया और फरामोश किया गया कि आमतुल्नास ये समझते हैं कि शायद ये हमारी शरीयत का हिस्सा ही है, हालांकि ये अखलाकी तालीमात है। अखलाक की दो किस्में, रज़ाइल अखलाक और फजाइल अखलाक। फजाइल अखलाक को अपनाना है जिनमें सिद्क सरे फहरिस्त है, और रज़ाइल अखलाक से दामन बचाना है जिनमें सरे फहरिस्त झूठ है। इसलिए उलमा को चाहिए कि माह रमज़ान के अंदर अखलाकी मौजूआत भी तय करें, और चूंकि लोगों के दिल मायल होते हैं और नेकी की बात बड़े असर करती है दावत दीन की, तो उलमा को चाहिए कि माह रमज़ान के मसाइल के साथ साथ झूठ से इज्तिनाब के बारे में और इसके जो मुख्तलिफ मफासिद हैं, जी झूठ के जो मनफी असरात हैं, मादी असरात हैं, दुनियावी असरात हैं, उखरवी असरात बद हैं इसके, उन तमाम को ज़ेर बहस लाए। लामा साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि हलीमा ने अपनी अच्छी बात में इस बात का तज़किरा किया था कि शरीयत हमें कुछ ऐसे हालात हैं जिनमें झूठ बोलने की इजाज़त देती है, तो वो कौन से हालात हैं हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज़? देखिए, अर्ज यह है कि झूठ झूठ ही है, सच सच है। बेशक झूठ को कोई नाम दे लें, डिप्लोमेसी कह लें, झूठ को वक़्त की ज़रूरत कह लें, हिकमत कह लें, वो झूठ ही रहेगा। अल्लाह की नज़र में जब हमने बार बार सुना कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, सरकार ने भी फरमाया कि सच निजात देता है, झूठ हलाक करता है। तो अब हम जितने मर्जी इधर उधर से कहानियाँ बनाकर जोड़कर, इल्ला के शरीयत के अंदर जो है फुकाहा ने जो बात कही है मैं वो अर्ज़ करता हूँ। जब गज़वे खंदक हुआ, जिसको गज़वे अहज़ाब भी कहते हैं, तो हालात बड़े मखदूश हो गए, बिल्कुल इस कदर पोजीशन कमज़ोर होगी, सहाबा के पास खाने की भी किल्लत होगी और सुकून की भी किल्लत, इस तरह के हालात हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें भी एक दो तीन इस तरह कज़ा होती है, और पेट पे दो पत्थर भी आपने बांधे, सहाबा ने भी बांधे हुए थे। तो उस वक़्त नुएम बिन
اسلم غالبا نام ایک شخص مسلمان ہوا یہودی تھا وہ لیکن اللہ کریم نے دین کی تائید کرنی ہو تو وہ مسلمان ہوا اس نے کہا حضور کہ میرے لائق کوئی حکم تو آپ سمجھتے تھے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ ان کی بڑی خصوصی اس حوالے سے ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ جسے کہتے ہیں چور راستہ ڈھونڈنا تو اس نے کہا حضور ٹھیک ہے جو میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں تو اس نے پھر جو قریش مکہ تھے وہ اور جو مدینہ کے قرب و جوار میں یہودی تھے ان میں پھوٹ ڈالی اللہ ان سے اس طرح کی پھوٹ ڈالی کہ بظاہر وہ بات بنتی بھی تھی تو اس پہ پھر صحابہ نے سرکار سے عرض کی کہ حضور اس نے یہ پھوٹ ڈالنے کے لیے سہارا لیا تھوڑا سا جھوٹ کا ان کو کہا ہے کہ یہ تو اپنے رشتہ دار ہی ہیں اور انہوں نے تو یہاں سے چلے جانا ہے واپس تو بعد میں کمبختی تمہاری آ جانی تو یہودیوں سے جا کے بھی اسی طرح کی بات کی تو تم نے تو ادھر ہی رہنا ہے تو تم مسلمانوں سے بنا کے رکھو اور ان کو اعتماد دلانے کے لیے ان سے کہو ہمیں 100 اپنے بچے بطور ضمانت کے دیں جس کو جرمغال کہتے ہیں ضمانت کے طور پہ دیں اور ان سے بھی ایسی بات کہی جا کے اگر اس کی تہ میں جائے تو بظاہر تو بات ٹھیک تھی بلڈ از تھکر دین واٹر وہ حضور کے عزیز و اقارب تھے جو مقابلہ کرنے آئے تھے بعد میں سارے مسلمان ہو گئے اور یہودیوں نے بھی اپنی سائڈ کو سیو کرنے کے لیے انہیں بھی ضرورت تھی مسلمانوں کی ہمدردی ابھی نہ کریں تو پھر حضور نے کہا کہ الحرب خرع جنگ جو ہے وہ لفظی ترجمہ چال بازی کا نام ہے تھوڑا سا دائیں بائیں اونچ نیچ کر کے کہ اپنی فتوحات کو ذرا کھول کھول کے بیان کرنا قوم کی ڈھارس بتانے کے لیے فوجیوں کو توانا رکھنے کے لیے تو ان آلات میں جاسوسی سے بھی کام لیا جاتا ہے بعض کا دشمنوں میں افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں تو اس کی رکھی ہے گنجائش یا پھر میاں بیوی لڑ پڑیں اور اس قدر انتشار کا ڈر ہو کہ دو خاندان اجڑ جائیں گے بچے رل جائیں گے تو ان حالات میں اگر تھوڑا سا نرم گوشہ شوہر کے دل میں بھی ڈالا جائے ایسا کہ اس کے پیچھے حقیقت وہی ہو اور بیوی کو بھی کہا جائے کہ وہ تو پریشان ہے اور وہ رل گیا ہے اور اس کا تو حال خراب ہو گیا اس کا تو مردہ بھی خراب ہو جانا لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ میرے دوبارہ پیار محبت پیدا ہو جائے ریکنسیلیشن ہو جائے تو ان حالات میں ان کو قریب کرنے کے لیے یا دو مسلمانوں کی پارٹیاں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کو قریب کرنے کے لیے دونوں طرف حکمت اور دانائی سے ان کو اس طرح قریب کیا جائے کہ جو پی کے اوپر جو انتشار ہے الفطرۃ اشد من القتل وہ امن و سلامتی میں بدل جائے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما جب جو حالات سارے شور بچا رہے ہوں تم کو ایسی سلامتی کی بات پھینکو کہ لوگ اس دھیان لگ جائیں اور اس شرارت سے باز آ جائیں ماشاءاللہ ناظرین حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے جب ایمان ہاتھ سے گیا تو پوری دنیا بھی مل جائے تو کیا کریں گے خدا رائے اس رمضان میں ہم اس بات کا عہد باندھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس برائی سے دور لے جائے اور اللہ سے اس پہ ڈٹے رہنے کی توفیق بھی مانگتے ہیں آمین بالکل جی وقت ختم ہوا جاتا ہے ورنہ یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے اس سے ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ میرے خیال سے 30 رمضان بھی کی سہریاں بھی اسی پہ لگے رہیں تو ہمیں یہ سیکھنا پھر بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہم ایز اے معاشرہ ہمیں برائی اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ ہم کبھی کبھی اس کو برائی بھی نہیں سمجھتے لیکن ابھی وقت ختم ہو گیا ہے ہماری سحری کا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں کل تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت اللہ حافظ